रेतम नदी में नहाने गए 15 वर्षीय विकास की डूबने से मौत। परिवार में पसरा मातम। 8 साल पहले पिता की भी हो चुकी है मृत्यु। नमस्कार, मैं हूँ निर्मला वशनानिया और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए मंदसौर जिले की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र में जालरा गांव में रेतम नदी में नहाने गए 2 नाबालिग किशोर रवि गायरी उम्र 15 वर्ष और विकास गायरी उम्र 15 वर्ष नदी में डूब गए। पुलिस के अनुसार जालरा गांव नदी में नहाने गए दोनों किशोर अचानक गहरे पानी में डूब गए। बालकों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने डूब रहे एक बालक रवि गायरी को बचा लिया, जबकि दूसरे बालक को नहीं बचा पाए। सूचना के बाद मौके पर जालरा चौकी प्रभारी संदीप मौर्य पहुंचे और गोताखोरों की मदद से दूसरे किशोर को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक सफलता नहीं मिल पाई। जानकारी के अनुसार दोनों किशोरों के खेत नदी के पास ही है। दोनों ही नदी किनारे अपने पशुओं को चरा रहे थे। इस दौरान दोनों नदी में नहाने गए और हादसा हो गया। फिलहाल उनमें से एक को बचा लिया गया है। किशोर रवि गायरी को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बता दें कि 8 साल पहले विकास के पिता गोपाल की मृत्यु हो चुकी है। विकास की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना के बाद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा व लाला परमार ने मृतक के घर जाकर काका बंसीलाल को ढांढस बंधवाया। सूचना मिलते ही तहसीलदार वंदना हरित भी मौके पर पहुंची थी। मंदसौर क्षेत्र की खबरें देखने व पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।